ठीक है, तो ये अपनी जो अपडेट्स उस क्लाइंट को तभी देता है कि वो इसका प्रॉपर अगर मेंबर है तो क्या है, मेंबर सर्वर बनाते हैं, मेंबर सर्वर मशीन को बनाएंगे तो उस केस में डीएनएस अपनी इंफॉर्मेशन उसको बताएगा कि तुम्हारा डोमेन कंट्रोलर कौन सा है, तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है, तो ये बताएगा। ठीक है, किस केस में, नॉन सिक्योर में, सिर्फ अगर सिक्योर में बात करें, सिक्योर में बात करें तो क्या करेगा, अगर मेंबर सर्वर बनाते हैं, अगर आप कह देते हैं कि सिक्योर में रखता हूँ ऑप्शन, कुछ ऐसे सिस्टम भी आपके पास होते हैं जो वर्क ग्रुप स्टेट में चल रहे होते हैं लेकिन आपने थर्डी क्वेश्चन उनको बोली देनी होती है, वर्क ग्रुप स्टेट में चल रहे थे लेकिन थर्डी क्वेश्चन देते हैं, आप कहते हैं मैं इसको डोमेन में नहीं ऐड करना चाहता लेकिन इसको थर्डी क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ठीक है, ये थर्डी गेट हो, ठीक है ना, उसके लिए डिफरेंट वेज हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसके लिए डी एन एस के डिफरेंट जो ऑप्शन को यूज किया जाता है। तो उस केस में अगर आप कहते हैं कि आपका वर्क ग्रुप ये थर्डी गेट करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में हम नॉन सिक्योर एंड सिक्योर को यूज करते हैं। देखिए वर्क ग्रुप बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं या सिनेरियोज हैं, एज कंपेयर टू एज की अगर मैं बात करूं, एज आमतौर पर होता वर्क ग्रुप स्टेट, वो होता है किसमें, वर्क ग्रुप स्टेट, उसको डोमेन एनवायरनमेंट में कभी कभी कन्फिगर नहीं किया जाता एज को, ठीक है, वर्क ग्रुप स्टेट में उसमें कन्फिगर करना है क्योंकि उसके ऊपर दो इंटरफेस आपको रखने पड़ते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है, आपने उसको डोमेन ही ज्वाइन करवानी है लेकिन उसके डीएनएस के प्रॉपर्टी में जाके उसको रजिस्टर डीएनएस रूल आप दे देते हैं, क्या कह देते हैं, रजिस्टर डीएनएस के अंदर अपने डोमेन नेम दे देते हैं, रजिस्टर डीएनएस में जाके आप अपने डोमेन नेम उसको दे देते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो रहता है ग्रुप स्टेट में लेकिन ऑथेंटिकेशन जाके एक दफा जो है डीएनएस सर्वर से करेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे सिनेरियोस किसमें आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था डीएनएस टॉपिक जान छुड़ाने के लिए आधे घंटे खड़ा होते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर डीएनएस पढ़ना है तो फिर टाइम लेगा जरूर, ठीक है, क्योंकि ये चीजें इन डेप्थ है, आप लोगों के लिए खासतौर पर जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं इस चीज़ों, ठीक है, इसकी बारीकियों से आप बहुत ज्यादा चीजों को डबल शूट कर सकते हैं, ठीक है, इन चीजों की समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन, अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन आ जाती है वो है स्टॉप जोन, स्टॉप जोन को एक्सप्लेन करूंगा जब आपको रैकेट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, रिकॉर्ड्स को, इसको रिकॉर्ड इंडस्ट्री बोल दी है, रैकेट बोल दी है, ठीक है, तो उस हवाले से तब इसको स्टॉप जोन को मार कर लें, स्टॉप जोन सिर्फ यहाँ पे एक वन लाइन समझने के लिए कि स्टॉप जोन है क्या, बेसिकली स्टॉप जोन एनपी किसने पढ़ा हुआ, एनपी किसने पढ़ा हुआ, सीसीएमपी किसने, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसके अंदर जब ओएसपी पढ़ाया जाता है तो ओएसपीएफ के अंदर एक स्टॉप जोन का कॉन्सेप्ट है, प्रोटोकॉल ना ओएसपीएफ, ठीक है, तो स्टॉप जोन के यहाँ पे वन लाइन में लिख लें, स्टॉप जोन क्या चीज है, स्टॉप जोन सिंगल एग्जिट पॉइंट है, सिंगल एग्जिट पॉइंट, स्टॉप जोन अब यूज कहीं में भी नहीं होता, पीछे चला जाए तो 20-25 साल पीछे तब उसको कॉन्सेप्ट में यूज होता था लेकिन आज अगर कोई इंडस्ट्रीज को यूज कर दी है तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा मल्टीपल ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो किसी ब्रांच पे वो सिर्फ कैशेज से क्यूरी रिजॉल्व करवाना चाहते हैं ओनली फॉर